गाइस पाल वर्ल्ड में आप सभी भाइयों को मैं फिर से स्वागत कर रहा हूं। ठीक है, मैं स्नोई बायोम में हूं क्योंकि लास्ट एपिसोड में मैंने इधर ही सिबलिक्स को हराया था। एंड यार अनुबिस ने सिंगल हैंडली यार सिबलिक्स को हराया था। यार मेरा अनुबिस बहुत ज़रा स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत 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 ज़रा स्ट्रांग है। एंड आज मैं आप सभी भाइयों के कमेंट्स को पढ़ करके ब्रीडिंग करने वाला हूँ। तो मैंने फ़ोन को तो निकाल लिया है। ठीक है, तो फटाक से मैं घर में जाने वाला हूँ। एंड गाइस मैंने एक मॉड लगा लिया है, उस मॉड के कारण अब मैं ब्रीडिंग को थोड़ा फास्टर तरीके से कर पाऊंगा। एंड गाइस अगर मुझे घर जाना है तो मुझे इधर जाना पड़ेगा। अरे इधर क्यों जाना है ब्रो, मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ ना, डायरेक्ट रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ, मर जाएंगे डायरेक्ट, घर पे समॉन हो जाएंगे। ठीक है, ओके समॉन नहीं सॉरी स्पॉन हो जाएंगे। ठीक है, ओके ओके गाइस आई एम बैक इन होम। एंड फटाक से कमेंट देख लेता हूँ। भाई ने कमेंट करा है, भाई का नाम है द्रौपदी साहू। प्लीज़ रीड ऑल एंड ट्राई। ओके ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। सुजैको एंड पैनकिंग रिलैक्सोसोरस। अच्छा, सुजैको एंड पैनकिंग से रिलैक्सोसोरस मिलेगा। एंड अर्शोक तुम इधर क्या कर रहे हो यार, तुम लोग भी ब्रीड कर रहे हो क्या? तुम लोग भी ब्रीड कर रहे हो, बट तुम लोगों को ब्रीडिंग करने के लिए मैंने दिया कब? या अर्शोक खुद आकर के इधर ब्रीड कर रहा है यार। या अर्शोक ना लिटरली गाइस खुद आकर के इधर ब्रीड कर रहा है। एंड तुम लोग को इधर ब्रीडिंग नहीं करना था। एंड तुम लोग का ब्रीडिंग मीटर भी फूल हो चुका है। पता नहीं गाइस ये अभी तक क्यों ये लोग ब्रीड कर रहे हैं इधर। ठीक है, एंड मेरे यहाँ पे केक ख़त्म हो चुके हैं क्या? तो नॉट एनफ केक यहाँ पे क्यों शो हो रहा है ब्रो? यहाँ पे नॉट एनफ केक क्यों शो हो रहा है? यहाँ पे तो 44 केक है ना, तो यहाँ पे पता नहीं गाइस नॉट एनफ केक क्यों शो हो रहा है। एनीवेज गाइस इसको बंद कर देता हूँ। एंड एक और काम करते हैं, अभी इधर जाते हैं पैनकिंग। एंड किसको बोला? सुजैको। सुजैको यार फीमेल को डालना पड़ेगा। मेरे पास सुजैको ढेर सारे हैं, सो डोंट वरी, फीमेल सुजैको को लेकर के आते हैं। वन बाय वन करके मैं ब्रीडिंग करने वाला हूँ। तो ब्रीड करो करो। एंड आई थिंक इन लोग का ब्रीडिंग हो चुका है ना गाइस। इन लोग का ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा फास्टर तरीके से हो रहा है। ओके जल्दी से हो ले, जल्दी से हो ले, कोई टेंशन वाला बात नहीं। इन लोग का ब्रीडिंग होने पर तुरंत गाइस अंडे में इधर डालने वाला हूँ, रिलैक्सोसोरस को लेकर के आने वाला हूँ। पता नहीं गाइस ये हाथी क्या कर रहा है। अरे मेरे प्यारे मेमोरीज, तू इधर क्या कर रहा है पता नहीं, बट तू जाकर के अपना काम कर ले ब्रो। एंड मोसंडा तू इधर क्या कर रहा है? अरे गाइस मेरे घर में लिटरली गाइस कितने सारे। एंड गाइस यार एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार, ये डेवलपर्स ना हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से यार देखते हैं। ये देखो ना ये कैसे ये नमस्ते कर करके ये बैटल कर रहे हैं यार। ओ गाइस क्योंकि ये पेड़ है ना यार। एंड मोसंडा इज़ ए ग्रास टाइप पालमोन यार। दिल से इस गेम को बहुत बेहतरीन बनाया है। हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से देखा गया है। जैसे कि देख पा रहे हो ये घुसा मारे नमस्ते कर रहा है। एंड गाइस चलो सभी का काम देखते हैं। एंड और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हर एक चीज़ों को अच्छी तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर है नहीं ना यार कोई काम कर रहा है क्या, इसका देखते हैं। ओके नहीं, वो ये देख रहे हो अपने यार होट को ऐसे करके ये आग उगल रहा है। बूशी का आग उगालने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है यार। बूशी का आग उगलने का तरीका आप लोग अगर देखोगे ना तो फिर आप लोग बोलोगे कि बोल भाई सीरियसली इस गेम को डेवलपर्स ने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। ठीक है, एनीवेज गाइस इधर मैंने देख लिया इन लोग का यार टेक्निक। ठीक है ओके अब देखते हैं इधर एग, इधर तो एग अब आ जाना चाहिए ना। नॉट व्हाट, मैं सीरियसली बता रहे गाइस नॉट एनफ केक पता नहीं क्यों दिखा रहा है। व्हाट डिड यू से? एक मिनट, एक काम करते हैं, एक काम करना ही पड़ेगा ब्रो। चलो फेंक देते हैं केक को, इधर लेते हैं। ठीक है, केक को इधर मैंने लिया। अब फिर से गाइस मैंने केक को इधर डाल दिया। नोप, अब केक भी नहीं डाल पा रहा हूँ यार। केक क्यों नहीं डाल पा रहे यार? Not enough cake. Wow. मेरे पास केक है लेकिन केक नहीं डाल पा रहे यार। ब्रिलियंट ब्रिलियंट चीज़ हो रहा है यार आज मेरे साथ। इधर तो केक है ना, 20 केक है। इस केक को ले लेता हूँ। अब इन 20 केकों को मैं रख पाऊँगा कि नहीं वो भी फटाक से देख लेता हूँ। पता नहीं यार क्या ही हो रहा है मेरे साथ। 64 केक को नहीं रख पा रहे ब्रो, नहीं रख पा रहे। अरे क्या हो गया है, मैं केक को क्यों नहीं रख पा रहा हूँ? ये मौत के कारण ऐसा हुआ है क्या? मौत के कारण नहीं, आई थिंक ऐसा हुआ है क्योंकि केक काम ही नहीं आ रहा है। ऐसे केक काम नहीं आ रहा यार, ऐसे तो मुझे गुस्सा आ रहा है। अब तो मुझे सीरियसली गुस्सा आ रहा है यार। मैंने जो मौत डाला था यार फास्टर ब्रीडिंग का, यार सीरियसली यार भाई यार ये हो क्या रहा है? इन लोग का ब्रीडिंग फिर से हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, इन लोग का ब्रीडिंग फिर से हो रहा है ना। अभी आप लोग देखिएगा कि इधर एक अंडा आ जाना चाहिए, बट अंडे के लिए केक चाहिए। ठीक है, बट जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ गाइस इधर केक नहीं आ रहा है। एंड तुम लोग कर क्या रहे हो पता नहीं यार। इस हाथी को देखो भाई, ये हाथी तो उधर चढ़ गया। एक मिनट गाइस मुझे एक घंटा बजा देना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है ये लोग। ओके फोकस ऑन वर्क, काम पे ध्यान दो सारे के सारे लोग, काम पे ध्यान दो। ठीक है, उल्टा पुल्टा काम मत करो एंड सिर्फ काम पे ध्यान दो। एंड इसका अरे हाथी मेरे साथी मेरे भाई मेमोरीज तेरे को आग में नहीं, ये देख रहे हो
ये देख रहे हो आग में, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार। ए भाई मैं यार थोड़ी देर पहले इस गेम के बारे में चर्चा कर रहा था, अच्छा अच्छा बात बोल रहा था, बट नहीं इस गेम को तो अब उल्टा पुल्टा चीज़ करना है। इसको देखो, इसको देखो यार, कुछ है तेरे पास? नहीं नहीं कुछ कहने के लिए है, इधर क्यों, इधर क्यों चढ़ के यार खड़ा है ब्रो? है मैं तो करना क्या चाहता है यार वंडरिंग मर्चेंट? तू वंडरिंग मर्चेंट है ना, इसका मतलब तू कहीं पे भी चढ़ जाएगा। गाइस कुछ देर पहले की बात है कि मैं यार मॉडर्स को गाली दे रहा था कि यार फास्टर ब्रीडिंग नहीं हो रहा है, बट इधर ना यार मुझे बेरीज को डालना है। एंड गाइस मैंने बेरीज को डाला, एंड बेरीज को डालते ही गाइस इधर अंडा आ गया। ठीक है, आई एम सो सॉरी यार, मैं यार मॉडर्स को गाली दे रहा था यार। ओके गाइस मुझे यार एक ह्यूज अंडा मिल चुका है, एंड इससे मुझे डेफिनेटली रिलैक्सोसोरस मिलेगा। चलो यार खोल लेते हैं, एंड आज ना अपने टीम में रिलैक्सोसोरस को ऐड करना पड़ेगा। ये आ गया ना, ओके गाइस पॉजिटिव थिंकर। ये इसका पैसिव इतना अच्छा नहीं है, ठीक है इसका पैसिव इतना भी अच्छा नहीं है, मुझे थोड़े बहुत रिलैक्सोसोरस के अंडे चाहिए। Approximately 10 hours later. Guys, finally मैं थोड़ी देर बाद आया हूँ, जैसे कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ गाइज यहाँ पे ढेर सारे अंडे बन करके रेडी हो चुके हैं। अब मुझे इन सारे के सारे अंडों को लेना पड़ेगा, पर मुझे कुछ चीज़ों को एक बॉक्स में रखना पड़ेगा। तो फटाक से गाइज मुझे एक स्टोरेज बॉक्स बना लेना चाहिए, ठीक है एक फटाक से वुडन चेस्ट ही बना लेता हूँ, इधर ही बना लेते हैं ठीक है। एंड गाइस मैं इस वाले घर को पूरा, इस घर वाले घर को उड़ाऊंगा, इस वाले घर को उड़ा करके एक न्यू बेस सेटअप करने वाला हूँ, ठीक है कैंसिल कर। ओके तो यार क्या क्या हटाऊँ, इसको हटा देते हैं ठीक है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, एंड देन गाइस ये भी नहीं चाहिए, एंड देन गाइस बिग बड़ी इसको रख देता हूँ, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए फिलहाल, ये नहीं चाहिए, लेडर नहीं चाहिए ठीक है, एंड ये नहीं चाहिए, ये लोग को नहीं निकाल पा रहा हूँ, गेहूँ भी नहीं। अच्छा यार रखने के लिए और जगह है ही नहीं इस बॉक्स में। चलो यार अब उठा लेते हैं जितने भी अंडे पड़े हैं, सारे के सारे अंडे उठा लेते हैं। चलो अब रिलैक्सोसोरस ब्रीडिंग करते हैं। ओके क्या कर रहा हूँ यार, ओके सेट एग ये हो चुका है, चल 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 जल्दी से हो ले, जल्दी से हो ले, ओके डन। ओके ये वाला रिलैक्सोसोरस भी अच्छा ही है, बट इतना भी अच्छा है नहीं ठीक है। एक परफेक्ट रिलैक्सोसोरस मेरे को चाहिए, एक परफेक्ट वाला जिसका पेसिव बहुत बढ़िया होगा। एंड नहीं इसका भी सही नहीं है ब्रो, इसका भी सही नहीं है, बट मैं एक सही रिलैक्सोसोरस डेफिनेटली बनाऊंगा फॉर श्योर। इसका देखते हैं, हाँ इसका ठीक ही है, ठीक ही है ठीक है। ओके अब देखते हैं इसका, देखते हैं, ओके 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 इसका यार, इसका भी यार ठीक। चलो यार इन लोगों को भी यार उठा लेते हैं। अब गाइस मैं क्या कर सकता हूँ, रिलैक्सोसोरस तो मुझे मिल चुका है, पहला वाला ब्रीडिंग तो कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ सुजेको एंड रिलैक्सोसोरस का ब्रीड क्या, एस्टेगोन AOP डार्क टाइप बोल भाई। चलो एस्टेगोन क्या, ठीक है एस्टेगन को निकाल लेंगे ठीक है। पैनकिंग को कहीं और पे ही सेट कर दूंगा, पैनकिंग को कहाँ पे सेट करूंगा पता है, पैनकिंग को ना मैं इधर यार पेलियम फ्रेगमेंट का एक जगह है उधर मैं डाल दूंगा। पेलियम फ्रेगमेंट का जगह मेरे को लिटरली दिखाई नहीं दे रहा है। ओके ये रहा गाइस क्रशर पे है, तू ना मेरे लिए ये काम कर, ये काम कर वाटरिंग कर। कहाँ पे क्या कर रहा है पता नहीं गाइस, ये कहीं और पे ही जा रहा है, ये कहीं और पे ही जा रहा है गाइस, ये पैनकिंग कहीं और पे ही जा रहा है। चलो इसको जाने देता हूँ ठीक है। एंड मैं इधर अब लाने वाला हूँ किसको, सुजेको एंड रिलैक्सोसोरस राइट। तो सुजेको एक मिनट गाइस, ये सुजेको जिसको मैंने डाल के रखा हूँ ये फीमेल है ना, तो रिलैक्सोसोरस मुझे यार मेल वाला चाहिए, अभी मुझे एक परफेक्ट रिलैक्सोसोरस चाहिए ठीक है, बिकॉज रिलैक्सोसोरस आर वेरी स्ट्रांग। चल ब्रीडिंग कर। एंड भाई ये बोल रहे थे कि मुझे एक बहुत ओपी डार्क टाइप पालमोन मिलेगा जिसका नाम होने वाला है एस्टेगोन, ये एस्टेगन एस्टेगोन जो भी है गाइज, ये बहुत ही कमल का एक डार्क टाइप पाल होने वाला है। अगर गाइज ये एक डार्क टाइप पाल होगा तो डेफिनेटली गाइज मैं बॉस फाइट करने के लिए जाऊँगा, इसको हराने के लिए जाऊँगा, बट ये भी तो एक डार्क टाइप ही होगा ना। तो पहले मैं काम करूँगा, यहाँ पर एक बॉस सुजेको है लेवल 45 का, इसके साथ मैं बैटल करने वाला हूँ। मेरे पास तो अभी टेक्नोलॉजी पॉइंट्स भी है ना, तो फटाक से मैं अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कर लेता हूँ, उससे मैं अल्ट्रा स्पीयर बना पाऊँगा, और वो चीज़ ये है कि मुझे अब बना लेना पड़ेगा नीचे आते नीचे आ नीचे आ नीचे आ, ये इसको क्यों खोल नहीं पा रहे। अच्छा और 2 पॉइंट चाहिए, और 2 पॉइंट चाहिए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ये स्पीयर लाइन 2 बनाने के बाद ही गाइस मैं ये अल्ट्रा स्पीयर बना पाऊँगा। इन लोगों ने भी गाइस एक अंडा दे दिया है, लेकिन ये भी तो एक ड्रैगन अंडा ही है, ये एस्टेगोन क्या ड्रैगन, ओ नहीं आई थिंक गाइस ये रिलैक्सोसोरस का अंडा होगा। चलो एक बार डाल करके देखते हैं, पता नहीं गाइस इधर एस्टेगोन निकलेगा क्या निकलेगा। व्हाट एस्टेगोन इस सेवेज, चलो इसके बारे में तो डेफिनेटली जानना पड़ेगा, इसके बारे में डेफिनेटली जानना पड़ेगा यार, क्या एस्टेगोन भी एक ड्रैगन टाइप है क्या?
गाइस एस्ट्रागन भी एक ड्रैगन टाइप है क्या? वाओ यार आप लोग सीरियसली बहुत ज्यादा ओपी हो यार। आप लोगों के पास यार हर चीजों का इन्फॉर्मेशन होता है यार, ये चीज ही मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अपना भाई लोग यार ओपी है, थैंक यू सो मच यार। एस्ट्रागन जैसे कि जाना पहचाना सा लग रहा है, इसको देख करके मेरे को पहले तो एग्रोन का याद आ रहा है पोकेमोन का, दूसरा याद आ रहा है गाइस मुझे एग्रोन नहीं, ये यार मेगा एग्रोन की तरह लग रहा है। इसका पंख देख करके मेरे को लग रहा है रेशिरम, नहीं रेशिरम का दूसरा वो कौन सा था काला वाला, हाँ गाइस जैकक्रोम का याद आ रहा है। ठीक है डेफिनेटली गाइस ये उसी का मिक्स है एंड ये काफी ओपी है। ठीक है वाओ गाइस एंड एक मिनट फटाक से और एक चीज देख लेना पड़ेगा, इन लोगों ने और एक अंडा दे दिया ना। मैं यार बहुत ही खतरनाक वाले एक एस्ट्रागन को लेकर के जाऊंगा यार, ड्रैगन और डार्क ब्रो ये कॉम्बिनेशन तो काफी ओपी है, सीरियसली गाइस ये कॉम्बिनेशन काफी ओपी है। ठीक है फिर से एस्ट्रागन मिला एंड इसका तो यार पैसिव अच्छा ही है। और एक चीज फटाक से देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ फटाक से एंड देन एस्ट्रागन के पास जाना पड़ेगा। ये है एस्ट्रागन यार, दो मुझे मिले। ठीक है यार ये देखो पहली बार इन लोग का वर्क स्पीड माइनस से टी ड्रॉप माइनस, बट इसका वर्क स्पीड इसका थोड़ा सा पैसिव अच्छा है। अब दूसरे वाले का देखते हैं, इसका स्विफ्ट 30% मूवमेंट स्पीड अच्छा है एंड वर्क स्पीड लेकिन माइनस है। अगर दोनों में अंतर देखोगे तो गाइस दोनों का अटैक लेवल ठीक ही है बट वर्क स्पीड में अंतर है। ठीक है अब ये लोग और भी अंडे डेफिनेटली देंगे, देंगे कि नहीं अभी, अच्छा अभी नहीं देंगे क्योंकि गाइस अभी रात का समय हो चुका है ना, तो फटाक से एक काम कर लेते सो जाते हैं एंड देन गाइस इन लोगों का ब्रीडिंग में फिर से देखने वाला हूँ। ठीक है नेक्स्ट डे अब देखते हैं चलो। ओके ये लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं ना, ओके ये लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, करने देता हूँ। और भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि किस चीज़ के बारे में कमेंट कर रहे थे, फटाक से देख लेते हैं। चलो यार सुजय कॉइन पैनकिंग का कर लिया, सुजय कॉइन रिलैक्सोसोरस का एस्ट्रागन भी मेरे को मिल गया, एस्ट्रागन एंड किट्सुन शेडो बीक। तो चलो गाइस ये तीन ब्रीडिंग में बाद में करूंगा, ठीक है डेफिनेटली बाद में करूंगा। पेटलिया एंड मोसोंडा, अच्छा पेटलिया और मोसोंडा से मुझे लिलिन मिलेगा क्या? लिलिन से याद आया गाइस मुझे आज दूसरे बॉस को पकड़ने के लिए जाना है, तो दूसरे बॉस को भी पकड़ने के लिए जाएंगे। ठीक है दूसरे बॉस को डेफिनेटली पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा, लिलिन बॉस को, वो चीज़ मैं करने वाला हूँ फॉर श्योर। कुछ न्यू पाल्स को लेकर के जाना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ गाइस अपने टीम से किसको हटाऊंगा, सुजय को हटा देंगे ठीक है क्योंकि डोडो फायर टाइप मेरे को नहीं चाहिए एंड मुझे अपने टीम को थोड़ा सा खतरनाक बनाना पड़ेगा। अब तो यार न्यू पाल्स को लेना ही पड़ेगा, अब तो न्यू पाल को डेफिनेटली लेना ही पड़ेगा। चलो यार ये वाला देखते हैं, दो अंडे हैं, दो अंडे, एक अंडा शायद से रिलैक्सोसोरस का होगा। ओके इसका भी यार सिर्फ स्विफ्ट ही है पैसिव। कब यार ऐसा एक पाल मिलेगा जिसका यार तीन चार पैसिव्स अच्छे हैं? ठीक है ओह मैं बोल ही रहा था इस वाले रिलैक्सोसोरस का तो यार पैसिव मेरे को अच्छा लगा। एनीवेज गाइस एक काम करते हैं फटाक से इधर जाते हैं, ठीक है कंडेंसेशन में जाते हैं एंड मुझे एक रिलैक्सोसोरस को ओपी बनाना ही पड़ेगा। फटाक से इधर आते हैं रिलैक्सोसोरस। ओके अब ये वाला मुझे मिला था ना, ये वाला नहीं कौन सा वाला मिला था अभी जस्ट एक भौरी कमाल का मिला था, ये नहीं ये नहीं ये मिला था, ये भी नहीं, अच्छा ये मिला था एंड अगर इसको देखोगे 109 56 63, ठीक है 109 याद रखना 109 इसका भी अटैक 109 108 109 107 100, इसका 97 बहुत ज़्यादा कम यार 109 108। आई थिंक गाइस मैं इसी को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, ठीक है आई थिंक पॉजिटिव थिंकर, नो 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 यप और हाँ डन। चलो अब ये वाला रिलैक्सोसोरस थोड़ा सा पावरफुल बन गया, जैसे कि देख पा रहे हो 114 का हो चुका है। ठीक है ऑलराइट गाइस एस्ट्रागन को भी अभी पावरफुल बनाएंगे, फटाक से नीचे आ जाते हैं एंड आज मैं रिलैक्सोसोरस एंड एस्ट्रागन को लेकर के जाऊंगा एंड इन लोगों ने और अंडा दे दिया है तो चलो इस वाले अंडे को भी लेकर के जाएंगे। नहीं उठा पा रहे हैं क्यों? ओके चलो इधर डाल देते हैं ये भी। अब देखते हैं इस वाले एस्ट्रागन के पास एक या दो पॉजिटिव अच्छा होगा क्या? नाइस यार मैं जो बोल रहा हूँ वही हो रहा है, इसके पास दो पॉजिटिव पैसिव्स है तो मैंने सोच लिया कि मुझे किसको लेना चाहिए। ठीक है आई थिंक गाइस आई नीड टू टेक दिस एस्ट्रागन, ठीक है इसको लेकर के जाएंगे एंड इस वाले रिलैक्सोसोरस को लेकर के जाएंगे, बट किसका जगह? बुशी के जगह। ठीक है ये तीनों मेरे सबसे ओपी पाल्स हैं, ये लोग हैंडल कर लेंगे। ये तीनों नहीं, किट्सुन को मैं इसलिए लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि किट्सुन यार
राइट करने में मदद करता है, ठीक है। एंड गाइस मुझे जर्मन टाइट इग्नीस भी चाहिए, आप लोगों के कमेंट में विस्तार में पढ़ूंगा, बहुत सारे भाई लोग मेरे को कमेंट कर रहे हो एंड मुझे अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। मैं सभी भाइयों का कमेंट को पढ़ूंगा एंड डेफिनेटली गाइस हर एक भाई का कमेंट मैं रैंडमली चूज करके ब्रीड करने वाला हूं एंड आप सभी भाइयों को शॉर्ट आउट देने वाला हूं, सो डोंट वरी, ठीक है। अगर आपको ये ना लगे कि एक भाई का कमेंट मैं चूज कर रहा हूं यार, बाकियों का कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं यार, मैं सभी भाइयों का कमेंट पढ़ता हूं एंड लास्ट एक अंडा को यार हैच करके ही निकलते हैं, ठीक है। लास्ट एक अंडे को हैच करके निकलेंगे, कहाँ पे निकलेंगे, स्मॉल सेटलमेंट में जाएंगे, उधर एक बॉडीगार्ड को मारेंगे एंड देन गाइस लिलीन एंड लिली को पकड़ने के लिए जाएंगे। ओके इधर बॉडीगार्ड कहाँ पे चला गया, ये रहा बॉडीगार्ड, तो इसके टकले पे मारेंगे, चलो मार दिए, अब चलो निकलते हैं निकलते हैं निकलते हैं फास्ट ट्रेवल। लिलियन लिलीन लिलियन लिलीन कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे लिलियन लिलीन इधर, लेट्स गो। ओके गाइस आई एम हियर, अब नीचे चलते हैं। ओके ओके नीचे 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 ओके पता नहीं गाइस ये बग अभी तक है कि नहीं, पर मुझे नहीं लग रहा है कि गाइस इस बग को अभी तक फिक्स किया गया है, तो चलो गाइस अंदर घुसते हैं एंड यार बग का फिक्स हो जाए पता नहीं, सो या बग फिक्स होने से पहले गाइस मुझे लिलियन लिलिन को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको स्पेस दबा करके स्केप कर देते हैं एंड चलो अब ये पी आई डी एफ गार्ड इनको मारेंगे, चलो मारने देता हूँ, मार क्यों नहीं रहा यार, आप मारेंगे फॉर श्योर गाइस आप मारेंगे, मैं तो चिप जाता हूँ मैन, मैं डेफिनेटली चिप जाऊँगा, इन लोग के पास जाऊँगा एंड ये लोग डेफिनेटली मारेंगे, ये लोग डेफिनेटली मारेंगे, बस इन लोग का गोली यार लिली एंड लिलिन के ऊपर पड़ जाए, बस मार ले मार ले मार ले मार ले मार ले मार ले, वेट कर रहा हूँ यार, क्या कर रहे हैं ये लोग, अरे जिसको शिट गाइस गलत ही चीज़ हो रहा है गाइस, मेरा तो शील टूटने वाला है यार। ओके अब मार रहा है शायद से, किसके ऊपर मार रहे हैं ये लोग, ओ ये लिपस्टॉम तो मेरे ऊपर ही मार रहा है, शिट यार तुम लोग यार, मैं एक काम करूंगा गाइस, मेरे पास एक बहुत ही कमाल का टेक्निक है, ये लोग मेरे को नहीं मार रहे हैं, ठीक है, ये लोग लिलियन लिलिन को नहीं मार रहे, इसका मतलब गाइस मुझे टावर पे चढ़ लेना चाहिए, टावर पे भी नहीं चढ़ पा रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं पे यार गायब हो जाना पड़ेगा, ठीक है। कब लड़ेंगे ये लोग, लिलियन लिलिन को मार ले ब्रो, लिलियन लिलिन को मार ले, मेरे को क्यों मार रहा है यार। ओके एक काम करना पड़ेगा, मुझे डॉच कर देना पड़ेगा, मारो 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 मारो, नाइस मार दिया मार दिया एंड फाइनली गाइस लिलियन लिलिन आई थिंक कोने में अभी चली जाएगी, देखते हैं, कोने में तो अभी तक नहीं गई है, कोने में जाओ कोने में जाओ, क्या ये बग फिक्स कर दिया गया है, आई डोंट नो गाइस बग को क्या हो गया, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ गाइस, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता हूँ, लिलियन लिलिन के साथ पंगा ही करना पड़ेगा। चल यार अनुबिस तू कितना डैमेज दे सकता है लिलियन लिलिन को, देखते हैं, नाइस यार, यार लिलियन लिलिन का सीधा गाइस 4000 डैमेज दे दिया यार, इसको बोलते हैं पावर यार, अनुबिस तू इतना पावरफुल कैसे हो सकता है मुझे पता नहीं, बट सीरियसली अनुबिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग यार, अनुबिस इज लिटरली वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या मार रहे हैं क्या मार रहा है क्या मार रहा है, तब से मैं तुम लोगों को अटैक नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब तुम लोग मेरे को मारते ही रहोगे, हाँ मारते ही रहोगे मारते ही रहोगे मारते ही रहोगे, खत्म ना अनुबिस, यू आर सीरियसली वेरी ओपी है, यू आर सीरियसली वेरी ओपी, अकेले में क्या गाइस अनुबिस, तुम्हारी अस्सी की टशी, तुम्हारी अस्सी की, मैं तो मर गया हूँ यार, एंड मुझे लग रहा था ना यार अनुबिस ना लिलियन लिलिन को भी उड़ा देते हैं, ठीक है, इन ये बॉस वाला हुआ नहीं तो मैं किसी और ही बॉस को मारने के लिए भी जाऊंगा। गाइस मैंने वक्त बहुत ज़्यादा गवा दिया है, बहुत ज़्यादा वक्त मैंने यार गवा दिया है, ठीक है, लिलियन लिलिन को मैं पकड़ नहीं पाया, शायद से वो ग्लिच फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, बाकी अगर मैंने कुछ रॉन्ग किया है ना आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड टू आजा कित्सुन मेरे को उठा ले ब्रो, मेरे को उठा ले, मुझे फटाक से एक चीज़ देख लेना पड़ेगा कि यहाँ पर गाइस वो पाल मार्चन है कि नहीं गाइस, ओके वो गाइस ये लोग वापस से आ चुके हैं एंड गाइस मुझे दिखाई दे रहा है गाइस इधर पाल मार्चन भी वापस आ चुका है, तो डेफिनेटली गाइस मैं इससे अभी पाल्स बाय कर पाऊंगा, क्या पाल्स है तेरे पास, नाइस डिक्टॉयज है तेरे पास, ये क्या है सर्फेन का टेराफॉर्म भी है क्या, सर्फेन टेराफॉर्म भी होते हैं क्या, व्हाट गाइस ये चीज तो बहुत बढ़िया है फिर यार, सर्फेन का टेराफॉर्म है ये मेरे को मालूम नहीं था एंड इसका तो पैसिव अच्छा ही है, बट मैं खरीदूंगा नहीं, ठीक है मैं खरीदूंगा नहीं, इसका देखते हैं, सारे के सारों का यार पैसिव सेम ही है, फिर से गाइस देखते हैं, फिर से गाइस देखते हैं इन लोग का ये
चेंज हो गया क्या इसका? नहीं, सेम ही है, बट ये इसको बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सर्फेंट टेरा, ये शायद से मुझे मिल ही जाएगा। एनीवेज गाइस, निकलते हैं। मैं एक्चुअली में इधर आया हूँ, क्यों आया हूँ आप लोगों को शायद से मालूम पड़ ही गया होगा। सुजय को, बॉस सुजय को सीधा है। एंड ये कौन है, ये आदमी इधर क्या कर रही है? तो गाइस PIDF गार्ड है ना, इसके साथ बात करके देखते हैं। बॉनफायर सो नाइस, नथिंग बीट्स द क्रैकल्स एंड पॉप ऑफ ए रोरिंग फ्लेम, डोंट यू एग्री? बैक इन अ डे यू कुडंट गो ऑन अबाउट मंडेन स्टफ लाइक दिस, एवरी डे वॉज अ स्ट्रगल बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बट एवरीथिंग चेंज वेन ही केम, थैंक्स टू हिम वी कैन लिव लाइक प्रॉपर ह्यूमन बींग्स। These days, you can make a bonfire like this without having to worry about attractive heaps. This feeling of joy at something so simple, it's worth being thankful for. Hum, looks like it's about ready. Stay for a bite. समझ में नहीं है यार, him कौन हो सकता है यार? कल जब मैं यार अंदर के तरफ एक आदमी से बात किया था, उसने मेरे को बोला था, किसके बारे में पता है? एक legendary palmon, पाल के बारे में, ठीक है? तो मैं भी, ये भी इस legendary पाल के बारे में ही बात कर रहा था। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये चीज रॉबिन क्यूल टेरा। क्या कहा, इसमें इसको एक ही फटके में उड़ा सकता हूँ? चलो डेयरिंग फ्लेम्स यूज करके देखते हैं। ओके, कितना डैमेज पड़ा? अच्छा खासा ही डैमेज पड़ा। लड़ेगा क्या? लड़ेगा? आजा। अरे तू यार, एक मिनट, तेरे को दिखाना पड़ेगा फ्लेयर स्ट्रॉन्ग। खत्म। एक मिनट, इधर तो एक बॉक्स है, इसको भी खोलते हैं। सिल्वर की भी मिल गया मेरे को यार, सिल्वर की भी मेरे को मिल गया। एंड एस्टागोन एंड गाइस रिलैक्सोसोर्स लेवल 12 के हो चुके हैं। एंड गाइस मैं पहुंचने ही वाला हूं यार सुजैको के पास, ठीक है? सुजैको के पास मैं पहुंचने वाला हूं। गाइस मुझे मिल चुका है सुजैको लेवल 45। एंड ये एक बॉस है, रूलर ऑफ द क्रिम्सन डॉन गाइस। तो डेफिनेटली गाइस मैं इस बॉस को भी पकड़ने वाला हूं। फटाक से डिसमाउंट हो जाते हैं। एंड तू आ जा इसके साथ। डेफिनेटली गाइस कौन लड़ सकता है पता है ना? अपना दोस्त, अपना सबसे ओपी, अपने सबसे ओपी पाल। और वो ओपी पाल कौन है? वो ओपी पाल डेफिनेटली गाइस ये है अनुबिस। अनुबिस अब इसको फाड़ के रख देगा। अनुबिस ने अब इसको फाड़ के रख देगा। ये देख रहे हो, डैमेज देखो, बस अनुबिस का डैमेज देखो, बाकी कुछ मत देखो, अनुबिस का डैमेज देखो। चलो गाइस मैं अपने गन को रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन। ओ शिट गाइस, अनुबिस के साथ लड़ना ब्रो, अनुबिस के साथ लड़ना ब्रो। I don't know guys what he is trying to do. Why are you trying to hit me buddy? Sujay ko yaar, yaar ye mat kar bro, mere sath mat lad yaar. Ye fir bhi mere sath hi lad raha hai guys, isko mere sath hi ladna hai. And pata nahi guys mera Anubis kya kar raha hai. Anubis nikal le, nikal le. Okay, Anubis ab marega. Chalo guys dekhte hain. Oh guys, battle dekhne mein to seriously bahut hi zyada maza aa raha hai, theek hai? And guys mere upar aag chhod diya kyunki main battle dekh raha tha. Ab pata nahi guys is aag mein main survive kar paunga ki nahi, dekhte hain. Oh shit, main भाई यार। 2000 years later. इसको बोलते हैं बैटल, ठीक है? बट इस सुजैको को मेरे साथ ही लड़ना है, पता नहीं क्यों इस सुजैको को सिर्फ मेरे साथ ही लड़ना है, क्योंकि इसको भी पता है कि ये अनुबिस को नहीं हरा पाएगा, इसलिए गाइस ये मेरे साथ ही लड़ रहा है। मार ले, मार ले, मेरे को ही मार ले ब्रो, मेरे को ही मार ले। तो अनुबिस के साथ तो लड़ नहीं सकता सुजैको, बॉस। अगर तू बॉस है ना तो इसको मार करके दिखा, अनुबिस को मार करके दिखा, नहीं कर पाएगा ना ब्रो, नहीं कर पाएगा यार, मेरे को भी टच नहीं कर पाएगा दोस्त, ठीक है? ओके यार, मैंने अनुबिस बॉस को पकड़ करके जीवन का सबसे सही डिसीजन लिया, ठीक है? क्योंकि ये बॉस अनुबिस लिटरली गाइस सारे के सारे बॉसों को बहुत ही आराम से मार देता है यार। मुझे यार दूसरे पालों को निकालना नहीं पड़ रहा यार, जब से ये मेरे टीम में आए हैं, ठीक है? नाइस यान, नाइस यान। ओके कमान 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 अनुबिस यार, मेरे भाई प्लीज डिफीट दिस सुजय को, ठीक है? डिफीट नहीं करना है, मैं इसको पकड़ के लेके जाऊंगा, ठीक है? एंड ये बॉस है ना, डेफिनेटली ये अल्फा है, तो फॉर श्योर गाइस इसका पैसिव भी अच्छा ही होगा। इसको हेडशॉट पे हेडशॉट दिए जा रहा हूँ। एंड पता नहीं गाइस मेरा अनुबिस क्या कर रहा है अभी। अनुबिस क्या हो गया, अनुबिस को क्या हो गया यार, अनुबिस को क्या हो गया यार? शिट, अनुबिस, ये अनुबिस तो यार आई थिंक टाइम में अटक चुका है। ओके अब मार रहा है, अब मार रहा है, नाइस। ओह शिट गाइस, मेरे शील्ड पे लग गया यार, मेरे शील्ड पे लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ओके मारेंगे तो फोर श्योर गाइस इसको मार के ही छोड़ेंगे, ठीक है? ओके फ्लेयर स्टॉर्म यूज कर रहे हैं मेरे ऊपर, नाइस नाइस नाइस। अनुबिस अपना ग्राउंड स्लैम वाला पावर यूज कर, नाइस। इस ग्राउंड स्लैम से ना खतरनाक फटका पड़ता है यार। ओके 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 चलो रिलोड कर लेता हूँ बंदूक को। अनुबिस मार ले, अनुबिस मार ले,
ओके ओके नाइस नाइस नाइस। अब इसको खतरनाक फटका पड़ेगा, 724 में आ चुका है। ओके ओके 473 में आ चुका है। एंड आई थिंक गाइस मुझे अब अनुबिस को यार छोड़ करके इसको पकड़ना चाहिए, ठीक है। मैंने अनुबिस को, ओह शिट गाइस, क्या मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा? हाइपर स्पीयर से 45 लेवल के पालों को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पकड़ सकते हैं, ये नहीं कि नहीं पकड़ सकते हैं, डेफिनेटली पकड़ तो सकते हैं, बट कैप्चर रेट काफ़ी कम है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। एंड आई थिंक ये आएगा, नहीं आएगा क्या? थोड़ा सा और डैमेज देना पड़ेगा मेरे को, मेरे को खुद से ही लड़ना पड़ेगा। अगर पालों को निकालेंगे ना तो गाइस मार देंगे इसको, ठीक है। एंड मुझे इसको खोना नहीं है, रिलोड कर ले। ओके कम हियर। सिर्फ यार कैप्चर रेट 3% 2% ऐसे ही आए हैं। ओके मुझे बैक बोनस चाहिए जैसे तैसे करके, आई नीड बैक बोनस। ओह शिट, आजा दोस्त, आजा दोस्त, यार आ जाएगा शायद से, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक काम करते हैं ना, एक काम कर, रिलैक्सोसोरस को निकालते हैं। कम ऑन रिलैक्सोसोरस, मार मत देना, लेकिन कंप्लीटली मार मत देना। ओके वाटर टाइप मूव यूज कर रहे हैं। ओके गुड 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 गुड, रिलैक्सोसोरस को क्या फटका पड़ा यार, शिट। ओके गुड 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 गुड, ओह शिट भाई 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 भाई। ओके ओके ओके, इग्निस ब्रेथ यूज़ कर रहा है मेरे ऊपर ये। अगर ब्रेथ मेरे ऊपर लग जाता ना तो मेरे को यार खतरनाक फटका पड़ता, ठीक है। ओके यार चलो, अब बैक बोनस मुझे मिल सकता है। ओ बैक बोनस तो नहीं मिला, बट आई थिंक ये आ जाएगा, नहीं आया। रिलैक्सोसोरस के साथ लड़ ले यार प्लीज, कमान कमान कमान। ओ नो, ओके अब बैक बोनस मिलेगा क्या, देखते हैं। बैक बोनस अभी भी नहीं मिला यार, नो नो, शिट 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 शिट। गोली कौन मार रहा है मेरे ऊपर? ओ नहीं गाइस, इसको ना थोड़ा सा और डैमेज देना पड़ेगा। एक काम करें, थोड़ा सा तरकीब को उल्टा करते हैं, एस्टोगोन को भेज रहा हूँ, ठीक है। एस्टोगोन तो क्या कमाल का है यार, एस्टोगोन क्या मूव यूज़ कर सकता है, तो अनोखा क्या मूव यूज़ कर सकता है। एक एक का डैमेज देने से नहीं होगा भाई। ओके ओ नो, ओके 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 ओके, मारते रहे इसको, मारते रहे। हाँ अब मैं हाइपर स्पीयर नहीं फेंकूंगा, जब यार 300 से कम हो जाएगा तब मैं फेंकने वाला हूँ। एंड एस्टोगन टू ही लड़ ले, एंड एस्टोगन नहीं कर पाएगा ब्रो। किट्सुन तू ही थोड़ा देर के लिए इसको डैमेज दे। ओके तू आजा वापस से, क्योंकि ये डैमेज लगेगा। शिट किट्सुन तू वापस से आजा, वापस से आजा, मार मत देना लेकिन प्लीज़ मार मत देना भाई। ओके सिर्फ 13 का डैमेज क्या? ऑब्वियसली गाइस सिर्फ 13 का डैमेज ही पड़ेगा यार, ये भी तो किट्सुन भी एक फायर टाइप ही है ना। ओके फ्लेयर स्टॉर्म से इसको कुछ नहीं होगा भाई। ओके ये लड़ रहा है, इसको लड़ने देता हूँ किट्सुन के साथ। अब मेरे ऊपर फिर से अटैक करेगा क्या? अटैक करेगा, चलो देखते हैं। नहीं नहीं अभी तक तो अटैक नहीं कर रहे गाइस। चलो यार सामने से तो नहीं फेंकना चाहिए था मुझे बॉल, बट फिर भी मैंने सामने से ही फेंका। क्या आएगा? नहीं आएगा यार, नहीं आएगा। 2 hours later. ऐसे ही बेकार में मैंने यार खर्चा कर दिया यार, बेकार में मैंने खर्चा कर दिया। लास 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 लास, आजा अनुबिस, खत्म कर दे, खत्म कर दे अनुबिस, लास्ट, ठीक है एकदम लास्ट है ये। ओह शिट, मार दे अब तो, मार ही दे, मार दे, खत्म। नाइस मीटिंग यू। एंड अनुबिस को क्या हो गया भाई? ये ऊपर में अटक चुका है, खत्म। अगर यही करना था मुझे तब मैं इतने स्पीयर को वेस्ट भी नहीं करता ना। एंशियंट टेक्नोलॉजी पॉइंट सिर्फ 3 ही है, लेवल 30 के हो गए, लेकिन ये लोग यार नाइटमेयर बॉल एनेक ने सीखा बबल ब्लास्ट, बबल ब्लास्ट ठीक है, रेकॉनिक ब्रेड ठीक है, नाइटमेयर बॉल इसका देखते हैं। नाइटमेयर 100 लेवल, नाइस, आई मीन 100 पावर यार, 100 लेवल बोल रहा हूँ। उफ यार बेकार में खर्च दिया यार, बेकार में, लिटरली गाइस बेकार में खर्च दिया। एनीवेज गाइस मैंने इस वाले जगह को सर्च नहीं किया हूँ, चलो इस वाले जगह को भी सर्च कर लेते हैं, लेट्स गो। अनुबिस को भेजेंगे, अनुबिस ना इन लोगों को एक ही बार में उड़ा देंगे। गे गे गे, वन शॉट बोल्टे। एंड आराम से ऑलमोस्ट मर गए थे यार, सिर्फ आई थिंक
एक या दो एचपी में ही बचे हैं, ठीक है, सिर्फ एक या दो एचपी में ही बचे हैं ये लोग। ओके फाइनली गाइस मुझे एंशियंट टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिल चुका है एंड मेरे पास अभी 9 पॉइंट्स आ चुके हैं। मैं तो इसको आराम से अपने हाथ से ही मार सकता हूँ। नाइस यार, अब जो चीज़ मुझे करना है 9 पॉइंट्स है ना, फटाक से गाइस ये चीज़ कर लेता हूँ, हाँ बाद में ये रह जाएगा। कहाँ पे चला गया? ओके नाइस, इसको मैंने खोल लिया है। अब गाइस पता नहीं और क्या चीज़ चाहिए होगा, तो मैं घर में जा कर के देख लूँगा कि यार अल्ट्रा स्प्रेयर बनाने के लिए क्या चाहिए। बट इधर आया हूँ तो डेफिनेटली गाइस इस वाले एरिया को एक्सप्लोर करके ही निकलेंगे, ठीक है। एंड गाइस मुझे फास्ट ट्रैवल पॉइंट मिल चुका है एंड फास्ट ट्रैवल पॉइंट के पास गाइस क्लियरली इधर एक अंडा है, एक लार्ज अंडा। हूँ कहाँ पर? इधर हूँ। इस वाले एरिया को मैंने अभी तक सर्च नहीं करा है आई थिंक। अच्छा इस वाले एरिया को मैंने सर्च करा है बट मैंने ऊपर वाले एरिया को सर्च नहीं करा है। एनीवेज गाइस मुझे घर जाना है, फटाक से घर जाता हूँ। नेक्स्ट बॉस किसके साथ पंगा लेंगे पता नहीं बट घर जाकर के ही डिसाइड करने वाला हूँ, ठीक है। ये बना लेना पड़ेगा रिफाइन इंगोट, सर्किट बोर्ड, नेल, सर्किट बोर्ड एंड नेल। तो मैंने सही देखा यार, मैंने सही किया यार, टेक्नोलॉजी पॉइंट को खर्च नहीं किया। अब सर्किट बोर्ड को मुझे खोल लेना पड़ेगा। सर्किट बोर्ड आई थिंक खोल पाएंगे, देखते हैं। नीचे आते हैं, सर्किट बोर्ड तो खोल के रखा हूँ। अब रिफाइन फोर्ज, इसको खोलने के लिए इम्प्रूव फोर्ज के लिए मुझे फ्लेम ऑर्गेने चाहिए, ठीक है। एंड फ्लेम ऑर्गेन अगर मेरे पास है नहीं, फटक से पहले तो अपने यार चेस में देख लेता हूँ, ठीक है। कभी कभार हो भी सकते हैं या मैं चीज़ें को रख देता हूँ। यहाँ पर नहीं है, इधर देखता हूँ, इधर भी नहीं है। एंड कूलर पे कैसे हो सकता है यार, इधर तो है ही नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस अब मुझे ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार इधर देख लेता हूँ, नहीं नहीं मुझे अब ख़रीदना ही पड़ेगा। मर्चेंट को लाते हैं एंड देन ख़रीदते हैं फ्लेम ऑर्गेन, ठीक है। मर्चेंट को कौन से वाले मर्चेंट को लाएँ? इसको हटा करके वंडरिंग मर्चेंट, इसको ही लेकर के आते हैं। ओके चलो मैंने बाय कर लिया। अब इम्प्रूव फर्नेस बना लेते हैं एंड इम्प्रूव फर्नेस में इधर ही कहीं पे बनाने वाला हूँ, ठीक है। इम्प्रूव फर्नेस कहाँ पे बनाऊँ? इम्प्रूव फर्नेस इधर बना देता हूँ। चलो कोई आकर के बिल करो, मैं भी बिल करता हूँ यार। ओके तुम लोग भी आ जाओ, हाथ लगाओ थोड़ा सा। ओके गुड 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 गुड, मारो 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 एंड इम्प्रूव फर्नेस इज रेडी, डन। अब इधर गैस मैं रिफाइन फोर्ज बना पाऊंगा, उसके लिए गैस मुझे कोल चाहिए होगा। एंड अभी आप लोग मुझे पूछोगे कि कोल कैसे मिलेगा, कोल चाहिए एंड गैस कितने सारे अंडे आ गए। अगर मेरे को कोल चाहिए तो मुझे लेकर के जाना पड़ेगा किसको? डिगटॉयज को, ठीक है। मेरे पास बहुत कमाल और बेहतरीन किस्म के डिगटॉयज है। One eternity later. अब बोल को अल्ट्रास्पियर बनाने के लिए चाहिए ढेर सारे कोल, ठीक है। इसलिए बोल गया अनुबीज बॉस वाले लोकेशन पे, क्योंकि उस वाले जगह पर ढेर सारे कोल है एंड वो डिगटॉयज को लेकर के अभी ढेर सारे कोल को एक्सट्रैक्ट करने वाला है, लेने वाला है। एंड देन गाइस आयरन ओर्स को भी लेने वाला है। एंड अगले ही एपिसोड में आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि बोल्ट अल्ट्रा स्पियर कितना बना पाएगा एंड उन अल्ट्रा स्पियरों से बोल्ट किस पालमोंग को पकड़ने वाला है या फिर पान को पकड़ने वाला है। चलो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में।